फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू इन्फो सॉल्यूशन। हमारी आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम कैसे 10 नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 नंबर स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। एंड 10 नंबर होता क्या है, ये कौन अप्लाई करता है, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया को फुलफिल करने की ज़रूरत है और ये क्यों ज़रूरी होता है एंड इसके बाद के क्या क्या कंप्लाइंसेज होते हैं, इन सब के लिए मेरी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है। आप चाहें तो आप उस मेरी डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिया हुआ है आप उसके थ्रू देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ 10 नंबर को अप्लाई करने सीखने वाले हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा 10 एप्लीकेशन प्रोसेस। 10 नंबर को अप्लाई करने के दो तरीके हो सकते हैं, कि आप चाहते हैं कि 10 नंबर को मैं DSC के साथ अप्लाई कर दूँ, या आप चाहते हैं कि अगर आपके पास DSC नहीं है तो 10 नंबर को आप विदाउट DSC कर दें। अगर आप विद DSC करते हैं तो वो आपको हाथों हाथ मिल जाता है, और अगर आपके पास DSC नहीं है तो उस केस में आपको उन डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली एक एड्रेस पे सेंड करना होता है, जिस एड्रेस को मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। आपको एप्लीकेशन को वहाँ पे सेंड करना होता है और 3 से 4-5 दिन में वो आपको 10 नंबर आपके मेल पर प्रोवाइड करा दिया जाते हैं। मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह बिना DSC के अपने 10 नंबर को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी फिर भी क्वेरी आती है कि आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरह DSC के साथ अप्लाई करें, तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अभी हम जान लेते हैं कि अगर हमारे पास DSC नहीं है तो उस केस में हम 10 नंबर को अप्लाई कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली हम गूगल पर सर्च करेंगे अप्लाई 10 ऑनलाइन। इसमें सबसे फर्स्ट लिंक आपको मिलेगा यहाँ पर अप्लाई 10 एप्लीकेशन NSDL, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 10 फॉर्म 49B की कुछ गाइडलाइंस आपके सामने आ जाएंगी। ये 10 से रिलेटेड सारी की सारी गाइडलाइंस हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए या इससे एक बार गो थ्रू ज़रूर हो जाइएगा। अगर आप इन सारी गाइडलाइंस को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ क्लिक हियर, आप इस पर करके इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देन उसके बाद है एप्लीकेशन का प्रोसीजर, यहाँ पर दिया हुआ है एक्नॉलेजमेंट दिया हुआ है, पेमेंट से रिलेटेड बातें लिखी हुई हैं। हम धीरे धीरे करके सबको जान लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है एप्लीकेशन प्रोसीजर, इसके अंदर आपको लिखा हुआ है कि आपको 49B की एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है एंड उनको सबमिट करना है। उससे पहले आपको सारे एरर्स को रेक्टिफाई करना है, और उसके बाद लिखा हुआ है कि उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा जिसमें आपको 14-डिजिट का यूनिक नंबर मिलेगा, जिसमें स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन रहेगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट रहेगा कि क्या एप्लीकेशन का स्टेटस है और क्या एप्लीकेंट का स्टेटस है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगा लाइक उसका एड्रेस, मेल आईडी, टेलीफोन नंबर, उसके बाद उसकी पेमेंट डिटेल्स रहेगी। देन उसके बाद नीचे आपको पेमेंट करने के तरीके दिए गए हैं, जैसे उसमें बहुत सारे मोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें डिमांड ड्राफ्ट, चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको चार्जेस लिखा हुआ है कि आपके टोटल चार्जेस 65 रुपीज़ का लगेगा, जिसके अंदर 55 रुपीज़ का सर्विस चार्ज है एंड बाकी का GST चार्ज किया जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट कौन सी है, अगर कंपनी है, ब्रांच है, तो उसके लिए ऑथोराइज पर्सन क्या हो सकता है जो अप्लाई कर सकता है। देन उसके बाद आपको यहाँ लिखा हुआ है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो किस एड्रेस पे आपको सबमिट करने हैं, सो दैट कि वो आपका 10 नंबर आपको डिस्पैच करें। जी यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई फॉर न्यू 10, यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है अप्लाई फॉर न्यू 10, नीचे दिया हुआ है अप्लाई फॉर न्यू 10 फॉर DSC यूज़र्स, जिसके पास DSC है उसके लिए नीचे आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम विदाउट DSC कर रहे हैं इसलिए हम ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। DSC में सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पर आपको एक यूटिलिटी को डाउनलोड करना पड़ता है बस, अदरवाइज ये सिमिलर प्रोसेस होता है। अभी हम 10 अप्लाई 10 न्यू कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास अभी DSC नहीं है। आप जैसे ही करेंगे कैटेगरी चूज़ करोगे उसमें आपको बहुत सारे कैटेगरीज आ जाएंगी, आप इसमें से चूज़ कर लीजिए कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइक कंपनी, ब्रांच, डिवीजन ऑफ कंपनी, इंडिविजुअल, HUF, फॉर्म, एसोसिएशन, AOP, BOI, आप सिलेक्ट कर लीजिए आप जिसके लिए भी कर रहे हैं। देन आप सिलेक्ट पे क्लिक कीजिए, जैसे ही आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये फॉर्म नंबर 49B का पूरा इंटरफेस दिया है आपके सामने। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने एरिया का कोड, AO टाइप, रेंज कोड और AO नंबर आपको डालना होता है। अगर आपको पता है तो आप डाल दीजिए, इन केस अगर नहीं पता तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर, आप इस पर क्लिक कीजिए।
क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपने एरिया का रेंज कोड एओ वार्ड नंबर ढूंढने का सुविधा प्रोवाइड कराया हुआ है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज करना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। लाइक मैं अगर दिल्ली से बिलोंग करती हूँ तो मैंने यहाँ पर डी चूज किया। डी चूज करने के बाद आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको वार्ड नंबर मिल जाएंगे विद द नेम ऑफ स्टेट नेम। लाइक अगर आपका स्टेट जो है वो आपका डी से शुरू होता है तो आप डी पे सर्च कीजिए, अगर आपका कोई एस से शुरू होता है तो एस पे सर्च कीजिए। आप यहाँ से ढूंढ के उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे ऑटो फिल्ड हो जाएंगे आपके चारों कैटेगरीज। फिल होने के बाद अगर हम नीचे आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास डिटेल्स मांगेंगी जो कि आपको सिलेक्ट अप्रोप्रिएट कैटेगरी करना है कि आपका इंडिविजुअल है या एच यू एफ है। तो अभी मैंने इंडिविजुअल के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मैंने यहाँ इंडिविजुअल पर क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद है टाइटल, आप किस नाम का टाइटल चाहते हैं लाइक श्री, श्रीमती, कुमारी, तो आप इन तीनों में से चूज़ कर लीजिए। मैंने अभी श्री चूज़ कर लिया। फिर उसके बाद है नेम, लास्ट नेम, सरनेम, मिडल नेम, ये सारी नेम्स को आपको फिल करना है। नेम में आपको लास्ट नेम में अपना सरनेम लिखना है, अगर आपका सरनेम नहीं है तो आपका जो नाम होगा वही आपको लास्ट नेम में लिखना होगा। इस केस में आपको फर्स्ट नेम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इन केस अगर आपके पैन नंबर पे आपका लास्ट नेम है तो आप उस लास्ट नेम को यहाँ पर लिखेंगे लास्ट नेम में, एंड फर्स्ट नेम में अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे। बट अगर आपका सरनेम नहीं है तो उस केस में आपको लास्ट नेम में ही अपना नाम लिखना होगा, उस केस में आपको फर्स्ट नेम में लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद आपको अपना एड्रेस चूज़ करना है, एड्रेस को फिल करना है, अपना फ्लोर नंबर, रोड नंबर, स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस आप इसको फिल कर दीजिए। नेशनलिटी में आपने इंडियन कर दीजिए या फॉरेनर्स हैं तो आप फॉरनर कर दीजिए। देन उसके बाद आपको पैन नंबर डालना है यहाँ पर कि आपका पैन नंबर क्या है, और अगर आपके पास कोई टैन नंबर ऑलरेडी है तो आपको यहाँ पर वो लिखना है, अगर नहीं है तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है कि आई या वी अपना नाम, और हम एज अ कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल हम इसको भर रहे हैं। देन यहाँ पे आपको स्टेट लिखना है अपना। देन उसके बाद नीचे देख रहे होंगे पेमेंट्स की डिटेल लिखी हुई है कि आप किस मोड से पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर भी नेट बैंकिंग चूज़ किया। देन उसके बाद मैंने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपने जो भी प्रीवियस डिटेल्स फिल करी हैं वो यहाँ पर आ गई है, आप यहाँ पे कैप्चा पुट करके इसको सबमिट कर दीजिए। देन उसके बाद आपके पास ट्रांजेक्शन नंबर आ जाएगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, अब आप इसको अग्री करके कंटिन्यू कर दीजिए। अग्री करने के बाद आपके पास पेमेंट्स के मोड्स आ जाएंगे कि आप कैसे पेमेंट करना चाह रहे हैं लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, तो मैंने इंटरनेट बैंकिंग चूज़ किया और वहाँ पर अपना HDFC बैंक चूज़ कर लिया। देन अब आप HDFC के पोर्टल पर चले जाएंगे, आप जो भी बैंक चूज़ करेंगे आप उसके इंटरफेस पर चले जाएंगे। देन यहाँ पर आपको अपना यूज़र ID और पासवर्ड से लॉगिन करना है एंड पेमेंट के प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी आपके मेल पर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, आप उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ ये डाउनलोडेड रिसीट आ जाएगी, इसमें आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपकी कैटेगरी, आपका नाम, आपका स्टेटस, आपका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, आपका पेमेंट स्टेटस, जितनी भी पेमेंट आपने की है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। और यहाँ पे कॉर्नर पे इस बॉक्स में आपको ब्लैक पेन से साइन करने के बाद इसको नीचे दिए गए एड्रेस पे आपको सेंड करना है। ये यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है बेंगलुरु का, आपको यहाँ पर उसको सेंड करना है। और जब आप सेंड करेंगे तो सेंड करते टाइम आपको उसके उस एनवलप के ऊपर अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर या आपको अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना होगा, ये मैंडेटरी है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो मे भी हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। सो बी इंश्योर कि आप अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर या आपका एप्लीकेशन नंबर उस एनवलप के ऊपर ज़रूर लिखते हैं, और इस एप्लीकेशन के साथ आपको अपना आधार नंबर, आधार कार्ड और पैन की कॉपी भी सेंड करनी होगी। देन उसके बाद विद इन 3 या 4 वर्किंग डेज के बाद आपके मेल पर एक 10 नंबर को डिस्पैच कर दिया जाता है। आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपसे एक पासवर्ड मांगेगा, ये पासवर्ड आपका सिटी का पिन कोड नंबर होगा, आप इस पिन कोड को यहाँ पे डालिए, ये आपके सामने खुल जाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमारा 10 नंबर अप्लाई भी हो चुका है एंड रिसीव भी हो चुका है। अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेरे